हाय एवरीवन, वेलकम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कन्वे इफेक्ट इन FCFS। तो यहाँ पे है हमारे पास दो एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है उसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कन्वे इफेक्ट जो है होता क्या है। जनरली ये FCFS में ही होता है, इसीलिए हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी में कन्वे इफेक्ट का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो है, इसमें हमारे पास तीन प्रोसेस दिए हुए हैं, उनकी अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दी हुई है। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोगों को कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सी, कंप्लीशन टाइम को निकालने के लिए हम लोग को गैंट चार्ट को ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे गैंट चार्ट में क्या है, हम लोगों को FCFS से यहाँ पे हम लोगों को वेटिंग टाइम निकालना है। तो FCFS का जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है अराइवल टाइम, मतलब वो टाइम जिस टाइम पर प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रोसेस कौन सा प्रोसेस जो है रेडी क्यू में एंटर किया है, तो P1 जो है वो जीरो टाइम पे आया है, P2 वन टाइम पे और P3 वन टाइम पे। तो सबसे कम टाइम P1 का है, तो इसका मतलब CPU किसको मिलेगा सबसे पहले, P1 को, जो सबसे पहले आया है उसको पहले CPU मिलेगा। तो P1 को जो हम लोग CPU दे देते हैं। ये कितने टाइम पे आया है, जीरो टाइम पे, और बर्स्ट टाइम कितनी है इसकी, 40। तो कितने दिन तक ये एग्जीक्यूट होगा, 40 आवर्स या फिर जो भी बोल सकते हैं 40 यूनिट्स तक ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये हमारा CPU दिखा रहा है कि P1 जो है CPU में जीरो टाइम पे आया और 40 टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया है, P2। ओके, तो P2 और P3 जो है वो सेम टाइम पे आया, दोनों की जो है अराइवल टाइम है वो 1:1 है। तो हम लोग किसको पहले लिखेंगे, सिंपल है, जो ऑर्डर वाइज जो सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा हम लोग उसी को पहले लिख देंगे। तो P2 पहले है तो P2 को लिख देते हैं, और इसकी बर्स्ट टाइम कितनी है, 3 है। तो अभी जो है CPU में 40 है और P2 एग्जीक्यूट करेगा 3 यूनिट के लिए, तो CPU में कितना टाइम हो जाएगा, सिंपल 40 में 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 43। लास्ट है हमारा P3, अब P3 एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट के लिए, तो 43 प्लस 1 हो जाएगा 44। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कंप्लीशन टाइम लिख देंगे, तो P1 की कंप्लीशन टाइम हो जाएगी 40, P2 की हो जाएगी 43, सॉरी P2 को P3 की हो जाएगी 44, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग को टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, बस। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे, सो 40 माइनस 0 40, 43 माइनस 1 42, 44 माइनस 1 43 हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा वेटिंग टाइम। तो हम लोग वेटिंग टाइम जानते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू होता है हम लोग को टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देंगे बर्स टाइम को, तो आ जाएगा हमारा वेटिंग टाइम। ओके, तो हमारे पास क्या है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स टाइम माइनस करें, 40 माइनस 40 0, 42 माइनस 3 39 और 43 माइनस 1 42। तो ये हमारा वेटिंग टाइम हो गया यहाँ पे। अब इसके लिए हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम इस केस में क्या होगा, 0 प्लस 39 प्लस 42 एवरेज निकालना है। तो डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितने प्रोसेस है, तो हमारे पास तीन प्रोसेस है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ऐड करेंगे 9 प्लस ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये आएगा हमारा वैल्यू 27। सो ये वाला 27 जो है फर्स्ट सिनेरियो के लिए हमारे पास जो है एवरेज वेटिंग टाइम आया। अब इसी तरीके से दूसरा जो है हम लोग का सिनेरियो उसको सॉल्व करते हैं। तो गैंट चार्ट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो है अराइवल टाइम किसका है, तो P2 और P3 जो है दोनों 0:0 टाइम पे रेडी क्यू में एंटर कर चुका है। तो जो सबसे पहले है ऑर्डर वाइज में उसको हम लोग पहले CPU दे देंगे। तो P2 को सबसे पहले मिलेगा, ये सबसे पहले CPU में आया और इसकी बर्स्ट टाइम है 3 यूनिट की, तो ये 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगा पूरा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्शन होता है। FCFS जो है नॉन प्रीएम्प्शन एल्गोरिदम होता है, तो कोई भी प्रोसेस अगर CPU में आ रहा है तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, और क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। ओके, उसके बाद P3 है, क्योंकि ये भी जीरो टाइम पे आया है, और ये कितने टाइम के लिए आया है, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आया है। अभी CPU में 3 मतलब समझिए 3 बज रहे हैं, तो
और 1 घंटा इसको एग्जीक्यूट होना है P3 को, तो CPU में कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, 3 + 1 = 4। और लास्ट है हमारे पास P1। P1 कितने कितने टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, 40 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो 40 + 4 = 44 हो जाएगा। ठीक है, 40 + 4 = 44। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसका कम्प्लीशन टाइम देखेंगे। अब यहाँ पे कम्प्लीशन टाइम हम लोगों को लिखना है, तो P1 का कम्प्लीशन टाइम कितना है, 44, तो 44 लिखेंगे P1 में। P2 यहाँ पे है, तो P2 का कम्प्लीशन टाइम कितना है, 3 लिखेंगे, P3 के लिए है 4। ऑलराइट, टर्न अराउंड टाइम को कैसे निकालेंगे, कम्प्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो 44 - 1 = 43, 3 - 0 = 3, 4 - 0 = 4। और इसी तरीके से वेटिंग टाइम निकालने के लिए, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम ये है, बस टाइम ये है, तो टर्न अराउंड 43 - 40 होगा 3, 3 - 3 = 0, 4 - 1 = 3 हो गया। अब एवरेज वेटिंग टाइम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 3 + 0 + 3 एंड डिवाइडेड बाई कितने प्रोसेस, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, तो ये हो जाएगा 6 / 3 यानी कि 2। ओके, तो इन बोथ द सिनेरियो लेंथ ऑफ शेड्यूल इज सेम, दोनों शेड्यूल में जो लेंथ है 44 यूनिट यहाँ भी है और यहाँ पे भी 44 है, दोनों में 44 है, लेकिन दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम में जो है काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर जो है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आया 27 और यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम आया 2 यूनिट्स। तो इसी को बोलते हैं कन्वे इफेक्ट्स, मतलब इसमें इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा P1 प्रोसेस जो है पहले आ गया रेडी क्यू में, जिसकी वजह से ये FCFS एल्गोरिदम की वजह से हम लोग CPUs को पहले दे देंगे, पहले आ गया और पहले उसको मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो इसकी बर्स्ट टाइम है, मतलब वो 40 घंटा मतलब 40 यूनिट लेगा एग्जीक्यूट होने में, जिसकी वजह से ये P2 और P3 जो है जो सिर्फ 3 घंटा में कम्प्लीट होगा और ये भी 1 घंटा में कम्प्लीट होगा, तो क्या होगा ना, ये P2 को 40 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा। ये P2 जैसे ही रेडी क्यू में आया तो उसको 40 घंटे में वेट करना पड़ेगा, सॉरी 39, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 घंटे बाद है, तो इसको 39 यूनिट ऑफ टाइम के लिए जो है वेट करना पड़ेगा जब तक P1 कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि ये तो नॉन प्रीएम्प्शन वाला केस है। यहाँ पे हम लोग इस P1 को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि प्रीएम्प्ट को P1 को वापस से जो है रेडी क्यू में डाल दिए और P2 को एग्जीक्यूट कर दिए, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे P2 और P3 को काफ़ी टाइम तक जो है वेट करना पड़ेगा, P2 39 यूनिट ऑफ टाइम वेट करेगा और P3 42 यूनिट ऑफ टाइम वेट करेगा, तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे भी वही लग रहा है, 44 है हमारा लेंथ ऑफ शेड्यूल, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू में आ रहा है 0-0 पे आ रहा है ये दोनों, तो ये क्या कर रहा है, 3 घंटा ले रहा है, और P3 भी क्या कर रहा है, 1 घंटा ले रहा है, तो ये 3 घंटा में और ये 1 घंटा में कंप्लीट हो जा रहा है, और P1 आ रहा है 40 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पे किसी को भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, P1 को 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, P2 को तो 0, क्योंकि जो जैसे ही आया उसको CPU मिल गया, और P3 को भी 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगी 2। तो इसी को बोलते हैं कन्वे इफेक्ट, मतलब एक बड़े प्रोसेस की वजह से बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं उनको रेडी क्यू में काफ़ी लंबा टाइम तक वेट करना पड़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वे इफेक्ट इन FCFS। तो ये जो चीज़ है वो FCFS में ही देखा जाता है, ये वाला सिनेरियो, क्योंकि FCFS में हम लोग तो इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्ट वाला एल्गोरिदम है, और हम लोग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ही काम करेंगे, जो पहले आएगा उसी को पहले CPU मिलेगा। ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कन्वे इफेक्ट क्या है। कन्वे इफेक्ट का मतलब एक बड़े प्रोसेस की वजह से बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं उनको रेडी क्यू में काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वेट करना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है FCFS में जो है नॉन प्रीएम्प्शन का केस है, तो हम लोग बड़े प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते जब तक उसको CPU पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर देता, तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही हमारा छोटे जो प्रोसेसेस हैं वो CPU में एंटर करेंगे। जैसे कि अगर लाइव एग्जांपल देखें, तो अगर हमारे पास एक पतली रोड है और उसमें अगर एक ट्रक चला जा रहा है, तो ट्रक जो है जब तक उस रोड को क्रॉस नहीं कर देता, तब ट्रक के पीछे जो अगर बाइक्स और साइकिल वगैरह रहेंगे वो उस रोड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो पीछे वेट करेंगे कि जैसे ही जो बड़ी सी ट्रक है वो पूरा रोड को क्रॉस करे उस पतली सी रोड को और आगे जो है बड़ी सी जगह में जाए, तभी जाके वो जो बाइक्स और साइकिल वाले लोग रहेंगे वो उस ट्रक से आगे निकल पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वे इफेक्ट गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना।